नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो पंक्स 1.7 मिलियन डॉलर्स के साथ डेली सेल्स चार्ट में सबसे ऊपर हैं, जो एक दिन पहले की तुलना में 130,640 डॉलर्स अधिक है। क्रिप्टो स्लैम डेटा के अनुसार इथेरियम बेस्ड क्रिप्टो पंक्स दो नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शंस में से एक था, जिसकी सेल्स केवल 14 ट्रांजैक्शंस से मंगलवार को 1 मिलियन डॉलर से अधिक थी। क्रिप्टोपंक्स का ऑल टाइम सेल्स वॉल्यूम बढ़कर 2.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स हो गया, जो ऑल टाइम एनएफटी सेल्स में तीसरा है। दिन का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन करने वाला एक और इथेरियम कलेक्शन बोर्ड एप यॉट क्लब था, जिसने सेल्स में 1.05 मिलियन डॉलर्स दर्ज किए। यूनिक बायर्स की संख्या बढ़कर 17 और सेलर्स की संख्या 27 हो गई, जो कुल 19 ट्रांजैक्शंस में कल्मिनेट हुई। BOYC की ऑल टाइम सेल्स अब 3.14 बिलियन डॉलर्स है, जो सर्वकालीन बिक्री में दूसरे स्थान पर है। BOYC का क्रिप्टोपंक ने इथेरियम चेन की डेली सेल्स में 7.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का नेतृत्व किया, जो NFT ब्लॉकचेन के बीच सबसे अधिक वॉल्यूम है। मंगलवार को चार्ट में टॉप पर रहने के बाद डी मार्केट डेली सेल्स में तीसरे स्थान पर गिर गया। इसकी सेल्स 839,582 डॉलर्स तक पहुंच गई, जो पहले से 1% से भी कम हो गई। अन्य नोटेबल कलेक्शंस में मैड लैड्स और नोड मॉन्कीज शामिल है, जिनकी डेली सेल्स भी अच्छी रही। मैड लैड्स का डेली सेल्स वॉल्यूम 807.61 डॉलर्स था, जो पिछले दिन की 543,026 यूएस डॉलर से अधिक है। बिटकॉइन आधारित नोड मॉन्कीज डेली सेल्स में 750,024 डॉलर्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जो एक दिन पहले 762,684 डॉलर से अधिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लोबल बिटकॉइन माइनिंग सेक्टर की लीडिंग फोर्स जेनेसिस डिजिटल एसेट्स लिमिटेड ने अर्जेंटीना की स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनी YPF की सहायक कंपनी YPF लस के साथ साझेदारी की है। साथ में दोनों पार्टनर्स ने एक नई बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी स्थापित की है। ऑयल फील्ड से स्ट्रैंडेड गैस, जो एक इनोवेटिव एनर्जी रिसोर्स पर पूंजी लगाती है, जिसे बिटकॉइन माइनिंग से जुड़ी हाई इंटेंसिटी कंप्यूटिंग प्रोसेसेस के लिए अन्यथा वेस्ट को एक पावरफुल एनर्जी सोर्स में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुविधा 7 मेगावाट की कुल बिजली क्षमता के साथ संचालित होती है, जो एडिशनल 1 मेगावाट बैकअप पावर द्वारा समर्थित है, जिसमें 1,200 बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स हैं। ये बाजो डेल टोरो थर्मल पावर प्लांट द्वारा संचालित है, जिसे YPF नॉर्वेगियन एनर्जी जॉइंट इक्विनोर और YPF लस द्वारा कोलैबोरेटिवली मैनेज किया जाता है। इस माइनिंग ऑपरेशन के लिए एनर्जी स्ट्रैंडेड गैस नेचुरल गैस से आती है, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के दौरान मुक्त होती है, लेकिन सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं ली जाती है। आमतौर पर क्योंकि इसे रिमोट या मार्जिनली प्रोडक्टिव फील्ड से ट्रांसपोर्ट करना अधिक रूप से मुमकिन नहीं है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। विकसित हो रहे मेटावर्स इकोसिस्टम की प्रगति करते हुए बोर्ड एप यॉट क्लब के पीछे का मास्टरमाइंड युगा लैब्स डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग पोर्टल सोमनिया फोर्ज के साथ जुड़ गया है। सोमनिया वर्चुअल रियल्म्स के लिए एक सीमलेस यूजर फ्रेंडली गेटवे प्रदान करता है। ये विभिन्न एप्लीकेशंस और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें कि इनोवेटिव चॉइस लिस्टिंग इवेंट और M2 द्वारा MLB वर्चुअल बॉल पार्क शामिल है। सोमनिया के गेमिंग ऑप्टिमाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन और इनोवेटिव ओमनी चेन सॉल्यूशंस का लाभ उठाकर युगा लैब्स के साथ इसकी साझेदारी का उद्देश्य NFT ब्रांड की डिजिटल एसेट्स को वर्चुअल गेमिंग एनवायरनमेंट में अधिक सहजता से एकीकृत करना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NYSE आका ने हाल ही में ग्रेस्केल के इथेरियम फ्यूचर्स ट्रस्ट ETF को सूचीबद्ध करने के नियम में बदलाव के संबंध में SEC के साथ एक महत्वपूर्ण फाइलिंग वापस ले ली है। ये वापसी 3 मई को हुई, जिससे कि 30 मई तक SEC के आवश्यक निर्णय को टाल दिया गया। 7 मई को घोषित ये कदम भविष्य के इथेरियम स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को प्रभावित कर सकता है। फाइलिंग, जिसे 19B4 कहा जाता है, को SEC पर फ्यूचर्स बेस्ड ETF पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दबाव डालने के लिए ग्रेस्केल द्वारा रणनीतिक रूप से रखा गया था। वैन ब्यूरन कैपिटल GP के स्कॉट जॉनसन इथेरियम स्पॉट ETF के लिए समय सीमा से पहले SEC के विश्लेषण को दस्तावेज करने के लिए फाइलिंग को एक टैक्टिकल मूव के रूप में देखते हैं। जॉनसन वापसी से हैरान है। उनका तर्क है कि भले ही ये अप्रूवल की गारंटी नहीं देता, लेकिन डॉक्यूमेंटेड डिसीजन ग्रेस्केल के भविष्य की नियामक प्रतिबद्धताओं का समर्थन कर सकता है। ओवर टू यू रोशनी। आर्क इन्वेस्ट ने मंगलवार को 3 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से 15.1 मिलियन मूल्य के 17,616 कॉइनबेस शेयर्स बेचे। कंपनी की नवीनतम ट्रेड फाइलिंग के अनुसार कैथीवुड के नेतृत्व वाली निवेश फर्म ने
इनोवेशन ETF से 45,915 शेयर्स यानी 9.8 मिलियन डॉलर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF से 17,755 शेयर्स यानी 3.8 मिलियन डॉलर्स और अपने फिनटेक इनोवेशन ETF से 6,946 शेयर्स यानी 1.5 मिलियन डॉलर्स बेचे। स्टॉक की कीमत में वृद्धि के बीच का 11 अप्रैल को 20.4 मिलियन डॉलर्स मूल्य के कॉइन बेचने के बाद यह पहली बार है कि आर्क ने लगभग एक महीने में बड़ी मात्रा में कॉइन बेस्ड शेयर्स बेचे हैं। हालांकि इसने 15 अप्रैल को आर्क डब्ल्यू फंड से अपेक्षाकृत कम मात्रा में कॉइन बेस्ड शेयर बेचे जिनकी कीमत लगभग 824,000 डॉलर्स थी। आर्क की निवेश रणनीति का लक्ष्य किसी भी व्यक्तिगत होल्डिंग्स को ETFs के पोर्टफोलियो का 10% से अधिक हिस्सा नहीं लेने देना है। ये अपने फंड के भीतर विविधीकरण को बनाए रखने के लिए है जिसका अर्थ है कि अगर कॉइनबेस का स्टॉक फंड में आर्क की अन्य होल्डिंग्स के सापेक्ष बढ़ता है तो इसके वेटिंग्स को रीबैलेंस करना जारी रखने की संभावना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसे और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।